अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई, तो क्या सीन है भाई? तो आज जो है आपका बॉय वंस अगेन हैदराबाद जा रहा है भाई। आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ठीक है जी। तो बॉयज के साथ जो है इंजॉय करेंगे, उनके साथ मैच देखेंगे। बट उससे पहले अभी जो है मेरी मतलब मैच जो है 2:30 बजे तक है, 2:30 पे है। बट मेरा जो एक पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करवाऊँगा किसी के होस्ट के पास। तो सीन्स ये हैं, तो अभी सबसे पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाना है। पॉडकास्ट अराउंड 30-45 मिनट्स तक का होगा। तो उस पॉडकास्ट के बाद फिर हम जाएंगे बॉयज़ के पास और उनके साथ फिर मैच देखेंगे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, चलते हैं वैन के लिए और हैदराबाद चल के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, देन आपको बताते हैं। फाइनली मेरा पॉडकास्ट जो है वो मैंने रिकॉर्ड करवा लिया, ठीक है। और अब जो है आपका बॉय आ चुका है दोस्तों के सॉफ्टवेयर हाउस में, आ चुका है साइफर टैक में। तो ये बॉयज़ जो है ऑलरेडी मैच देख रहे हैं और मैच इंजॉय भी कर रहे हैं साले मेरे बगैर। तो अब मैं चलता हूँ इनके साथ, इनको जो है फुल ऑन तफरी के साथ मैच वगैरह देखते हैं और सीन्स कुछ ऐसे चलते हैं। ये आवाज़ सुन रहे हैं लोग? कोहली गया, ओ भाई शाइन, ओ ये 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 बोल्ड बॉय अफरीदी, ओ भाई साहब जा मेरे पुत्र छुट्टी कर। आ रहा हूँ। ये बताओ कोहली कैसे आउट हो, क्योंकि मैंने नहीं देखा भाई। जान छोड़ा उसने, हाँ आफ्टर दैट दूसरा बॉल इन आया भाई, हाँ। जान बोल्ड हो, ओ भाई साहब, मतलब कोहली जा चुका है और श्रेयस अय्यर आ चुका है, ठीक है भाई। सेटअप चेक कर रहे हैं कोहली के लिए, क्या इन्होंने ट्रैप से, ओ भाई साहब ये देख रहे हैं शाहीन आफरीदी ऑन फायर भाई। खबर गिल क्या हुआ? गिल इज नॉट फीलिंग वेल। शाइन बॉय की देख रहे हैं, शाइन बॉय, ओ ये शाइन बॉय, ओ ये और ये कोहली, वाह भाई वाह वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है बॉय भाई। सेटअप चेक कर रहे हो, बॉयज ने जो है फुल ऑन प्रोजेक्टर पे ये सीन्स लगाए हुए, क्या बात भाई, ये क्या था, मैं समझा फोर हो गया। ओ ये रोहित शर्मा का मैच चेक करो भाई, वाह भाई ये देखो देखो रिप्ले 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 देखे रिप्ले ब्रो, वाह भाई वाह, क्या बात है क्या बात है। हाँ भाई ले गया ना अरिश्मा विकेट, वसूल हो गया, ओहो अरे भाई बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास भी, ऐसी बात नहीं है। लेट्स अबे डगआउट इनका डगआउट देखो, मुरझाए हुए चेहरे बेचारों के। बारिश हो चुकी है, ठीक है, मैच के दौरान। और अब जो है खाना वगैरह खा लें, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार। आखिर ये कैसा लग रहा है, कैसा टेस्ट होगा तुम्हारे हिसाब से? अच्छा अभी सकते। अच्छा यार ये वॉश आउट जो हो रहा है ना यार, ये बहुत खतरनाक है। अहमद क्या बोलोगे तुम इस बारे में? हाँ यार ऐसा होना चाहिए नहीं यार, क्योंकि मैच की सही वाली जो है लग रही है, यार नहीं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैच है यार, अब हो गई मत क्या करें, नहीं होगी तो नहीं है, तो बस ड्रिजलिंग है हल्की फुल्की। खैर हाँ इस गेम में भाई इरफान जुनेजो मुरू वगैरह सारे पहुंचे हैं, मैं बताया आपको, हाँ तो वो स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है, नहीं नहीं इंशाल्लाह होगा ना भाई, इंशाल्लाह कभी ना कभी होगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, इंडिया पाकिस्तान? ऑब्वियसली इंशाल्लाह तआला अज़्ज़ा वजल। यार मुझे अभी भी गट फीलिंग है, गट फीलिंग नहीं है, गट फीलिंग भी नहीं है ना, हमें तो बस पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह तआला। चलो अब खाते, थैंक यू। जो वापस से स्टार्ट हो चुका है आफ्टर वॉश आउट, तो ओ बच्चा तो चलो लाइट बॉयज बंद कर दें ताकि सुकून सिस्टम से हम देख सकें। अभी हमारी बिरयानी जो है वो भी ख़त्म होने वाली है यार, वेट कर जाओ बिरयानी ख़त्म हो जाए उसके बाद जो है लाइट ऑफ कर देंगे। मुबारकबाद पेश करते हैं शुभमन भाई को। अच्छा ये देखो 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 बॉल चेक करो, वाह भाई लेवल, आपके व्यूज चेक कर रहे हैं आप, ओ भाई खूबसूरत तर्रीन एकदम, क्या बात है,
शाहीन आफरीदी इज बैक लेफ्टी बैट्समैन के अगेंस्ट और अच्छा होगा लेट्स सी ओ ये पक्का हो गया ओ जम गया है ना यार ये ईशान किशन विकेट विकेट तो चाहिए भाई विकेट तो चाहिए शायद इंशाल्लाह बोल्ड होगा हाँ यार मंगवा ही लो कुछ ना कुछ आगा अच्छी बॉल करा गया किसको मैं तो बोल रहा हूँ हरी सौ को ले आओ ताकि गुड हो जाए सीन क्या बोलते हो ये तो सीन हो चुका है तुम्हें लग रही है भूख और यहाँ लेकिन मैच की लगी हुई है मैच जो है हाथ से निकला जा रहा है मुझे और तुम्हारे पेट से भूख पहले अच्छा स्टार्ट था और अब मजा नहीं है विकेट गिर गया फिर मजा आएगा यार अभी वो अच्छा खेल रहा है कम समय में थोड़ा पार्टनरशिप उन्होंने एक चेंज नहीं एक तो फिलहाल के लिए चाहिए जो रिक्वायरमेंट है ईशान किशन की विकेट चाहिए या हार्दिक पांड्या की एटलीस्ट एक की चाहिए क्या कहा था मैंने क्या कहा था आखिर शक्ल दिखा क्या बोला था मैंने क्या बोला था मैंने क्या बोला था मैंने अबे नहीं कसम से कसम से नहीं देखा कसम से अरे कसम से नहीं देखा चलो अच्छा है ना अच्छा अच्छा अबे मैं खुद हैरान हूँ मैंने यहाँ पे एक प्रेडिक्शन लगाई थी प्रेडिक्शन ये थी कि ईशान किशन जो है वो आउट होगा वो लिटरली ये भाई साहब आउट आउट हो चुके हैं अब बताओ मेरी प्रेडिक्शंस कैसी थी ओ भाई क्या वो क्या आगे शेयरों को अगर गधा लीड करेगा ना तो बाकी शेयर भी गधे हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं बाबर को गधा काइंड यार मेरे हिसाब से बिल्कुल क्योंकि जो इसने हरकत की है ना कैप्टनसी जो की है ना इसने इस गेम में वापस शादाब को ले आया है वो भी 39th ओवर में राइट फास्ट बॉलर्स के ओवर रहते हैं फिर भी यार ये बट खैर ये सीन है जो है खाने का सेटअप है और पेटिस वगैरह बॉयज खा रहे हैं पहले बिरयानी खाई थी अभी पेटिस खा रहे हैं तो फुल ऑन भाई खाने आने का भी सेटअप चल रहा है और मैच भी इंजॉय किया जा रहा है शाहीन 5 विकेट लेगा लिखवा लो इंशाल्लाह ताला शाहीन ऑन फायर भाई 3 रन दिया 2 विकेट के साथ क्या बात है यार क्लैपिंग शाहीन शाहीन के लिए जो बात है बाबर में थे जब वो पार्टनरशिप उसी वक्त चलाने थे यार तो लाना था ये गेम उन्होंने काफी कवर अप कर लिया और क्या फायदा ही नहीं अब हाँ मुझे भी यही लग रहा है मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि अभी भी हरीश रॉफ के 3 बचे हुए तो फिर प्रेशर में भूल चुका है यार वो है ही ऐसा उसका मसला यही है बाबर को एक ही काम करना चाहिए बैटिंग ऑनेस्टली वाकई जो बात है और क्या और वो सारी विकेट उन्होंने ही लिए यार भाई भाई सारी विकेट भी फास्ट बॉलर्स ने ही लिया और शुक्र है नसीम को भी विकेट मिली है इट्स अ गुड थिंग इट्स अ गुड साइन विकेट मिलनी थी अगर वो कल से सारा ओवर करवाता पॉइंट गुड पॉइंट ओवर करवा के उसको छोड़ देते हैं 2 ओवर करवा बाबर की नाकिस नाकिस जो है कैप्टनसी होगी मैं तो यही कहूंगा क्यों अहमद तुम क्या कहते हो उसे मेरा मैं बताऊं आपको मेरा क्या था मेरा ये था कि ये फास्ट बॉलर्स को बीच में भी चलाता जैसे कि नसीम को एक या दो ओवर चलाने थे ऑब्वियसली ये अभी करना पागलपन है क्योंकि 242 बहुत बड़ा टारगेट है यार बहुत बड़ा है बिल्कुल तो ये अब देखते हैं अल्लाह खैर करे क्या होगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा अच्छा एक मुझे बात बताओ हाँ ठीक है अभी
हमारे पास एक ओवर पहले ही फास्ट बॉलर को अगर दे देते हैं फास्ट बॉलर का मिस हुआ हां एक ओवर ही बचा मतलब टोटल हमारे दो फास्ट बॉलर के ओवर आया ऑब्वियसली तो ये कैप्टनसी का इशू है कैप्टनसी इशू है कैप्टनसी इशू तो बहुत बड़ा है अब दो ओवर आया हो ना ऑल आउट अगर ये पहले ले आते उसी टाइम ऑल आउट हो जाते या उसी टाइम विकेट डालने जाती मसला ये हुआ है तो सीन ये है कि पाकिस्तान ने जो है 267 का टारगेट अचीव कर लिया ठीक है जी बट अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पाकि जीतेंगे भी या नहीं तो इन बॉयज़ से जो है तासुरात मालूम करते हैं और ये बताएंगे कि भाई क्या आगे होने हो सकता है क्या होने वाला है अपनी प्रेडिक्शंस बॉयज देंगे तो लेट्स सी आप क्या कहेंगे क्या तासुरात हैं आपके बारे आप स्कोर अच्छा है 267 ओके आपके हिसाब से चलो प्रेडिक्शन एक स्टार्टिंग 10 ओवर्स में कितनी विकेटें गिर सकती हैं पाकिस्तान तीन फॉर मी तीन और जो स्कोर है करंट जो पाकिस्तान की टीम की जो मुझे ना बॉडी लैंग्वेज लगी थी मेरे ख्याल से इंडिया को एडवांटेज अच्छा चलो मुसैब आपके क्या तासुरात है यार आप हैं वैसे फुटबॉलर बट फिर भी आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हाँ असल में ये जो ग्राउंड है ये पिच है बॉलिंग की ओके इंडिया वालों को भी मुश्किल हो रही थी ना बैटिंग करने में ओके काफी स्विंग भी हो रही थी हां पाकिस्तान वालों को भी मुश्किल होने वाली है अच्छा और उनके हैं चार पेसर्स चार वो उनको बहुत ज्यादा जो है फायदा है एक तरह से इंडिया की तरफ बिल्कुल और इसको टी अच्छा खासा है अच्छा अहमद आपके क्या तासुरात है आप तो गेम में ही लगे हैं आप खेल लो यार पबजी खेल 15 मिनट हो गया तासुरात में आपको बता बींग अ क्रिकेटर मेरी जो मेरे जो थॉट्स हैं वो इस तरह से हैं कि 267 इज़ अचीवेबल ठीक है इस पिच पे हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास लिटरली 11 के 11 सारे के सारे बैट्समैन हैं मेरे हिसाब से और ट्रूली स्पीकिंग हाँ उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एडवांटेज ये कि उनके पास चार फास्ट बॉलर्स मीनवाइल पाकिस्तान से एक एक्स्ट्रा है उनके पास तो ये बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के लिए तो लेट सी कितनी स्विंग होती है शार्दुल ठाकुर भी है उनके पास बुमराह भी है तो अच्छे अच्छे पेसर्स है विद स्विंग विद और सिराज भी है तो अल्लाह खैर करे अल्लाह ही हाफिज़ है बट लेट सी क्या होता है बॉयज का भाई सैड लाइफ गेम जो है वॉश आउट हो चुकी है और गेम बस एक ही इनिंग चली है और ख़त्म हो गया मैच शेक हैंड्स हो रहे हैं दोनों साइड से और बस मैच ख़त्म हो चुका है तो सीन्स कुछ ऐसे हैं और अब इनसे मिलते हैं ग्रुप स्टेज में वापस से इंडिया वालों से और फिर इनसे जो है हम लोग लड़ेंगे तो खैर ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में सी यू